आज हमारे साथ है पल्सर RS 200 2024 मॉडल। बात करेंगे हम आज इसके फीचर्स के बारे में जिसके कारण लोग आज भी इसे पसंद कर रहे हैं। 200cc में बहुत ही पावरफुल बाइक है, बजाज की तरफ से आपको ऑफ़र की जाती है। बात करेंगे इसके फ्रंट में, तो आपको इसके फ्रंट में डुअल प्रोजेक्टर LED सेटअप देखने को मिल जाता है। और एक बात और, इसमें आपको सारे LED लाइट देखने को मिलेगा, कोई भी हैलोजन बल्ब देखने को नहीं मिलेगा। इंडिकेटर हो जाए या DRL हो जाए, सारा आपको LED देखने को मिलेगा। इसकी फ्रंट की बात करें तो आपको हाई बीम लो बीम दोनों अलग अलग देखने को मिल जाता है, साथ में आपको LED DRL देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है फ्रंट में, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम फील देता है बाइक में। बात करें इसके फ्रंट टायर की, तो आपको फ्रंट में 100x80 17 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ में आपको 300mm का फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाएगा। और यहाँ फ्रंट में NS 200 और NS 160 की तरह आपको USD देखने को नहीं मिलेगा, बजाज ने अभी भी RS में ये अपडेट नहीं किया है। और टैंक की बात करें तो आपको 11 लीटर का टैंक मिल जाएगा RS में देखने को, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन साथ में आपको E20 भी ऑफ़र किया गया है 2024 मॉडल में। और इसके मीटर की बात करें तो आपको इसमें छोटा सा डिजिटल पैनल साथ में एनालॉग देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको न्यूट्रल, बैटरी का इंडिकेटर, फ्यूल का और यहाँ बजाज का लोगो हमेशा ग्लो होता दिख जाएगा। बात करें इसकी डिजिटल पैनल की, इसमें आपको क्या क्या शो होता है, तो अब आप लोगों को इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, ऑडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2, साथ ही में इसको इसमें आप लोगों को DT देखने को मिल जाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी। और इस बाइक में आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी देखने को मिल जाता है बजाज की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ा फीचर है। साथ में आपको यहाँ पे एनालॉग पैनल पे ABS का लाइट भी देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाता है, और साथ ही इसमें आपको बटन्स के साथ ही आपको लाइट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि और किसी बाइक में ऑफर नहीं होती है। और यहाँ फ्रंट में एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप लोगों को कूलेंट फिल करने के लिए कैप दिया गया है, कूलेंट यहीं से भरा जाएगा आपको। और इस बाइक में आप लोगों को बहुत बड़ा सा इसमें टैंक पैड देखने को मिल जाएगा। साइड की बात करें तो इसमें आप लोगों को 6 गियर ऑफर किया जाता है, बिल्कुल NS 200 की तरह। ये 200cc में ये बाइक आपको 24.5 BHP की पावर देता है। रियर की बात करें तो इसमें आप लोगों को मोनोशॉक देखने को मिल जाता है नाइट्रॉक्स के साथ। और यहाँ शॉकर के पास ही आपको रियर डिस्क फ्लूइड भरने के लिए जगह दिया गया है, बिल्कुल टायर के ऊपर भी। और यहाँ आप लोगों को डबल मडगार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि टायर को पूरा कवर कर देता है। ये चीज़ आप लोगों को N160 और N150 में मिसिंग भी रहेगा, जिसके कारण N160 और N150 में बहुत ही डर्ट जाता है आके, बिल्कुल पैर के पास चला जाता है। और आप लोगों को उसमें एक प्रॉब्लम और मिलेगा, उसमें सीट भी गंदा हो जाता है पीछे से। बात करें इसके रियर प्रोफाइल की, तो आप लोगों को ये बहुत सुंदर सा LED टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको रियर में भी LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। और ग्रैब ब्रेस इसमें देख सकते हैं, यहाँ फाइबर में ही दिया गया है, बाकी ऐसा कोई भी बाइक में देखने को आपको नहीं मिलेगा। बाकी रियर टायर की बात करें तो इसमें आप लोगों को 130x70 17 इंच का टायर देखने को मिल जाता है, साथ में आप लोगों को 230mm का रियर डिस्क दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा साइलेंसर दिया गया है, जो कि बाइक को एक बहुत अच्छा स्पोर्टी लुक देता है। देख सकते हैं बाइक का साइड प्रोफाइल साइलेंसर की वजह से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इसकी फुट पैक्स की बात करें तो ये आपको थोड़ा रियर साइड दिया गया है स्पोर्टी लुक के लिए, और इसमें स्पोर्टी फील आए इसलिए आपको फुट पैक्स पीछे की तरह दिया गया है। और इसमें आपको ये प्रोटेक्शन भी दिया गया है, खुद से ऊपर हो जाता है। और साइड की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को
फुट रखने के लिए यहाँ पे ग्रिप भी दिया गया है, जिसमें कि आपका पैर फिसलता नहीं है। और यहाँ अंदर से हीट निकले इसलिए यहाँ पे नेट जैसा दिया गया है। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये बाइक, क्या अभी 2024 में आप इसे लेना पसंद करेंगे। बात करें इसकी ऑन रोड प्राइस की, तो ये बाइक आप लोगों को 2,09,000 कोडरमा झारखंड ऑन रोड मिल जाएगा, जिसमें 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, 1 साल का जीरो डेप्ट इंश्योरेंस आप लोगों को प्रोवाइड होगा ऑन रोड। ये बाइक का रेट अभी भी R15 से बहुत ही कम है, तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा बाइक पसंद है। इसमें आपको R15 से बहुत ज़्यादा पावर देखने को मिल जाएगा, बट इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको माइलेज R15 जैसा बिल्कुल ही नहीं देगी। तो आप देख लीजिए आप लोगों को कौन सा बाइक पसंद है। ये रहा RS 200 2024 मॉडल।